मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक किताब दिखाई जाती है और बताया जाता है कि ये किताब एक शैतानी किताब है। ये किताब शैतानी ताकतों को अपनी दुनिया में लाने का एक जरिया है। और हमें बताया जाता है कि ये किताब उस वक्त लिखी गई थी जब समुन्दर का पानी लाल हुआ करता था। और इसके बाद 1300 AD में ये किताब कहीं खो गई थी। इसके बाद सीन कट होता है और हम एक कपल को देखते हैं। उस कपल में लड़के का नाम ऐश होता है और वो आया था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जिसका नाम था लिंडा। दरअसल ये कपल अपना वीकेंड का टाइम बिताने के लिए एक कॉटेज में जा रहे थे। इनका कॉटेज जंगलों के एकदम बीचों बीच था। अब रास्ते में ये दोनों एक पुल से गुजरते हैं जो देखने में काफ़ी ज़्यादा भयानक लग रहा था। अब इसके बाद ये कपल अपने कॉटेज तक पहुँच जाते हैं और हम देखते हैं कि इनका कॉटेज एकदम सुनसान इलाके पर था। इसके बाद ऐश उस कॉटेज के एक कमरे में जाता है जहां उसे एक किताब दिखाई देती है और ये वही शैतानी किताब है जो कि 1300 AD में खो गई थी। ऐश को उस किताब के साथ एक पुराना टेप रिकॉर्डर भी मिलता है। अब ऐश उस टेप रिकॉर्डर को प्ले कर सुनने लगता है। उस टेप रिकॉर्डर से एक प्रोफेसर की आवाज़ आती है। दरअसल प्रोफेसर वही आदमी है जिसका ये कॉटेज था और वो काफ़ी दिनों पहले यहाँ रहा करता था। प्रोफेसर पुरानी चीज़ों पर रिसर्च करता था। प्रोफेसर बताता है कि जब वो एक किले की रिसर्च कर रहा था तब उसे वहाँ ये किताब मिली, लेकिन उसे जल्दी पता लग गया था कि ये किताब कोई मामूली किताब नहीं है, ये एक शैतानी किताब है जो कि शैतानों को अपनी दुनिया में बुलाने का एक जरिया है। प्रोफेसर बोलता है कि उस किताब में कुछ शब्द लिखे गए हैं और अगर कोई उन शब्दों को दोहराता है। अब प्रोफेसर ने उस टेप रिकॉर्डर में उस किताबों से कुछ शब्दों को बोला था और अब प्रोफेसर उन शब्दों को दोहराने लगता है। और जैसे जैसे प्रोफेसर उन शब्दों को रिपीट कर रहा था, एक इनविजिबल पावर उस कॉटेज की तरफ आकर्षित होकर आ रही थी। और इसी बीच हम लिंडा को देखते हैं जो कि उस कॉटेज के एक रूम में थी और तभी वही इनविजिबल पावर उस पर अटैक कर देती है और लिंडा जोर से चिल्लाने लगती है। ऐश लिंडा की आवाज़ सुन लेता है और उसे देखने के लिए उसके रूम में जाता है क्योंकि उस कमरे की खिड़की पूरी तरह से टूटी हुई थी और लिंडा वहाँ पर मौजूद नहीं थी। ऐश लिंडा को ढूंढने के लिए उस कॉटेज से बाहर चला जाता है और जंगलों में उसे ढूंढने लगता है। थोड़ा नज़दीक उसको उसकी गर्लफ्रेंड मिल जाती है, लेकिन उसकी हालत पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसका चेहरा पूरी तरह से बदल गया था क्योंकि एक शैतान ने उस पर पोजेस्ट कर लिया था। अब लिंडा ऐश को मारने के लिए उस पर अटैक कर देती है। अब ऐश अपनी जान बचाने के लिए लिंडा का सर एक फावड़े से धड़ से अलग कर देता है। इसके बाद ऐश लिंडा की बॉडी को दफना देता है और तभी वही इनविजिबल पावर ऐश पर अटैक कर देती है। ऐश को एक जोरदार धक्का लगता है और ऐश सीधा एक गड्ढे में गिर जाता है जिसमें पानी भरा हुआ था। अब कुछ देर बाद ऐश को होश आता है और वो उठ जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि ऐश पूरी तरह से बदल चुका था। ऐश का चेहरा पूरी तरह से भयानक हो चुका था और उसकी आंखें सफ़ेद हो गई थी क्योंकि उस शैतानी ताकत ने उस पर भी काबू कर लिया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सुबह होती है और सूरज निकलने लगता है और सूरज की धूप से वो शैतानी ताकत ऐश के शरीर को छोड़ देती है और ऐश वापस नॉर्मल हो जाता है। अब ऐश उस कॉटेज में बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहता था, इसीलिए वो अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से भागने लगता है। थोड़ा आगे जाकर ऐश को एक अजीब चीज़ दिखती है। वो देखता है कि जिस पुल का इस्तेमाल कर वो यहाँ पर आया था वो अब टूट चुका है। इसका मतलब वो शैतानी ताकत ऐश को इतनी आसानी से जाने नहीं देगी। अब उस पुल को टूटा देखकर ऐश को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और अब वहाँ से निकलने का कोई और भी रास्ता नहीं था, इसीलिए ऐश उस कॉटेज में मजबूरन वापस जाता है। अब रात में ऐश के साथ बहुत ही डरावनी चीज़ें होती हैं। जैसे ऐश देखता है कि पियानो अपने आप ही बज रहा था और चेयर अपने आप ही हिलने लग रही थी। अब इस दौरान ऐश को लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड दोबारा जिंदा हो गई है और ऐश देखता है कि लिंडा कब्र से वापस निकल चुकी थी और लिंडा का कटा हुआ सर वापस उसके शरीर के साथ जुड़ जाता है। अब लिंडा ऐश को मारने के लिए उसके पास आती है और उस पर बुरी तरह से अटैक कर देती है। ऐश उससे बचने की पूरी कोशिश करता है। ऐश किसी तरह उससे छूट जाता है और एक चेनसो लेकर उसे काट देता है। अब इसके बाद ऐश खुद को एक मिरर में देखता है और ऐश का मिरर वाला रूप उसे मारने की कोशिश करता है और ये सब ऐश के साथ हो रहा था। उसकी एक ही वजह थी, वो शैतानी ताकतें। अब ऐश का हाथ बदलने लगता है और ऐश का हाथ उसके काबू से बाहर हो जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है। अब ऐश को अपनी जान बचाने के लिए मजबूरन अपने हाथ को काटना पड़ता है। अब अगले सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि उस प्रोफेसर की बेटी है जिसका नाम एनी था। दरअसल प्रोफेसर ने अपनी बेटी एनी को
उस बुक के कुछ पन्ने दिए थे ताकि वो आगे की रिसर्च कर सके। इसीलिए एनी अपने पार्टनर के साथ आगे की रिसर्च करने के लिए उस कॉटेज में जा रही थी। अभी आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये देखते हैं कि पुल टूटा हुआ है और वो कॉटेज तक नहीं जा सकते। लेकिन तभी वहाँ पर एक कपल आता है और वो कपल उनको बोलता है कि हम तुम्हें कॉटेज तक ले जा सकते हैं, पर तुमको हमें $100 देने पड़ेंगे। अब एनी और उसका पार्टनर इस डील को एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो कॉटेज की तरफ आने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर हम ऐश को देखते हैं, जिसका हाथ कटा हुआ था, फिर भी उसका हाथ उसे मारने की पूरी कोशिश कर रहा था। अब ऐश अपने कटे हुए हाथ पर गोलियां चलाने लगता है, तभी उसका हाथ अपने आप गायब हो जाता है और तभी ऐश को लगता है कि कॉटेज की तरफ कोई आ रहा है। और लेकिन तभी एनी और उसका पार्टनर अपने साथियों के साथ मिलकर ऐश पर अटैक कर देते हैं। एनी को लग रहा था कि ऐश ने उसके मॉम और डैड को मार दिया था। अब ऐश के हाथों पर खून लगा था, इसीलिए एनी को उस पर और ज़्यादा शक होता है। वो सब ऐश को बुरी तरह पीटते हैं और पीटने के बाद एक बेसमेंट में बंद कर देते हैं, जो कि उस कॉटेज में बेसमेंट बनी हुई थी। और तभी एनी को वही टेप रिकॉर्डर दिखता है और वो उसे प्ले कर देती है और वो सब उसे सुनने लगते हैं। उस टेप रिकॉर्डर से प्रोफेसर की आवाज़ आती है। प्रोफेसर उन्हें बताता है कि उसने उस बुक के कुछ शब्दों को पढ़ा था, जिसके बाद उसकी वाइफ पर उन शैतानों ने काबू कर लिया और उसकी वाइफ उसे मारने की पूरी कोशिश कर रही थी और अपनी जान बचाने के लिए उसे अपनी वाइफ को मारना पड़ा। और मारने के बाद उसने उस बेसमेंट में बंद कर दिया, जो कि उस कॉटेज में है। और दूसरी ओर हम बेसमेंट में ऐश को देखते हैं। उस औरत की आत्मा ऐश पर अटैक कर देती है और उसे मारने की कोशिश करती है। और तभी वो सब बेसमेंट का गेट खोलकर ऐश को ऊपर खींच लेते हैं और ऐश को बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन वो शैतानी औरत उसे मारने की पूरी कोशिश करती है और बेसमेंट से बाहर आने लगती है। लेकिन वो सब किसी तरह उस औरत से लड़ते हैं और उसे वापस बेसमेंट में बंद कर देते हैं। अब उन सभी को समझ में आ जाता है कि ये कॉटेज और ये जंगल बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। अब वो सभी ऐश को बोलते हैं कि उन्हें फौरन इस कॉटेज से जाना चाहिए, लेकिन ऐश उन्हें बोलता है कि इससे ज़्यादा खतरनाक आत्माएँ और शैतानी ताकतें बाहर हैं, जो हमें कुछ ही मिनटों में मार देंगी। और रात में बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है, हमें सुबह होने तक का इंतज़ार करना होगा। अभी वो सब आपस में बात कर ही रहे थे, तभी अचानक से उनका एक साथी आत्मा से पोजेस्ट हो जाता है और एक लड़की पर अटैक कर देता है। वो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन ऐश तभी एक कुल्हाड़ी लेकर आता है और उसको जान से मार देता है और उस लड़की की जान को बचा लेता है। और तभी इसके बाद अचानक से सन्नाटा छा जाता है, अचानक से शांति हो जाती है। और तभी इस शांति के बाद वहाँ पर बहुत तेज़ शोर होता है, वहाँ पर किसी की चिल्लाने की आवाज़ आती है और बाकी सब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। अब वो सब उस आवाज़ को फॉलो करते हुए उस कॉटेज के एक दूसरे रूम में चले जाते हैं और उस रूम में वो सब एक साए को देखते हैं। दरअसल ये आत्मा थी उस प्रोफेसर की, जिसका ये कॉटेज था। प्रोफेसर की आत्मा उन सबसे कहती है कि अगर तुम्हें बचना है और तुम्हें अपनी जान प्यारी है, तो तुम्हें उस बुक को पूरा पढ़ना होगा, तभी तुम इन आत्माओं से और इन शैतानी ताकतों से छुटकारा पा सकते हो। और इसी बीच उनमें से एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड से बोलती है कि तुमने मेरा हाथ इतनी ज़ोर से क्यों पकड़ा हुआ है। और जब वो लड़की नीचे देखती है, वो डर जाती है। वो देखती है कि ऐश के कटे हुए हाथ ने उसको पकड़ा हुआ था और उसका हाथ उसे मारने की कोशिश करता है। अब वो लड़की बहुत ज़्यादा डर जाती है और इतना डर जाती है कि वो कॉटेज से बाहर चली जाती है। और तभी वो शैतानी ताकत पेड़ की टहनियों पर काबू कर लेता है और उस लड़की को बुरी तरह से जकड़ लेता है और वो लड़की मारी जाती है। अब उस कॉटेज में सिर्फ 3 लोग बचे हुए थे, ऐश, एनी और वो आदमी। एनी उस किताब को पढ़ने लगती है और पहले पेज पर वो देखती है कि एक आदमी का स्केच बना हुआ था, जिसके एक हाथ में एक चेनसो और दूसरे हाथ में एक बंदूक थी। अब एनी ऐश को बताती है कि 1300 AD में एक आदमी आसमान से किसी और दुनिया से इस दुनिया में आया था, जो कि एक हीरो के जैसा था, क्योंकि वो आदमी आत्माओं को इस दुनिया से भगाता था और उन्हें मार देता था। अब ऐश और एनी उस बुक का दूसरा पेज पढ़ने लगते हैं, लेकिन उससे पहले उनका जो दूसरा साथी था, वो आदमी उन पर गन पॉइंट कर देता है और बोलता है कि मेरी गर्लफ्रेंड उस जंगल में गई है और शायद वो खतरे में है, हमें उसकी जान बचाने के लिए फौरन जंगल में जाना चाहिए और उसे ढूंढना चाहिए। लेकिन ऐश मना कर देता है और उस आदमी को समझाता है कि अगर कोई एक बार बाहर चला गया तो जिंदा वापस नहीं आएगा। अब वो आदमी बंदूक लेकर उनकी तरफ आगे बढ़ने लगता है और बोलता है कि अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तभी वो आदमी उस शैतानी किताब को पकड़कर उस बेसमेंट में फेंक देता है। अब इसके बाद वो तीनों कॉटेज से बाहर चले जाते हैं और उनके बाहर जाते ही वो शैतानी ताकतें जाग जाती हैं और उन पर हमले करने लगती हैं। और इसी समय वो शैतानी ताकतें ऐश पर काबू कर लेती हैं और ऐश पूरी तरह से बदल जाता है। अब ऐश उस आदमी को दोनों हाथों पर उठाकर बहुत दूर फेंक देता है, जिससे वो आदमी एक पेड़ से टकरा जाता है और वो घायल हो जाता है। अब ऐश
एनी को मारने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। एनी किसी तरह कॉटेज में जाकर छुप जाती है और एक नुकीली लकड़ी उठा लेती है ताकि ऐश आए तो वो उसे मार दे। और तभी कोई अंदर आने के लिए गेट खोलता है और एनी उसके पेट में उसी लकड़ी को घुसा देती है। लेकिन एनी देखती है कि वो ऐश नहीं था, वो उनका साथी था जिसे ऐश ने घायल कर दिया था। अब एनी उस आदमी को किसी तरह कॉटेज के अंदर लाती है, लेकिन एनी ने गलती से उस आदमी को उस बेसमेंट के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक रख दिया था। और तभी बेसमेंट से वही औरत की आत्मा उस आदमी को अंदर खींचने लगती है। वो औरत की आत्मा उस आदमी को बहुत बुरी तरह मार देती है और अब ऐश भी उस कॉटेज में आ जाता है और एनी पर अटैक कर देता है। ऐश एनी को उठाकर पटक देता है जिससे एनी बेहोश हो जाती है। इसके बाद ऐश एनी को मारने के लिए आगे की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी अचानक उसको वो लॉकेट दिखता है जो उसने अपनी गर्लफ्रेंड लिंडा को दिया था। अवैस उस लॉकेट को उठा लेता है और देखने लगता है। वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। अवैस को सब कुछ याद आ जाता है और ऐश उस आत्मा के काबू से बाहर आ जाता है और वो नॉर्मल हो जाता है। और इसके कुछ देर बाद एनी को होश आता है। एनी ऐश को मारने के लिए उस पर अटैक कर देती है और ऐश एनी को समझाता है कि वो आत्मा के काबू से बाहर आ चुका है और अब वो ठीक हो चुका है, वो नॉर्मल हो चुका है। अब ऐश एनी को बोलता है कि हमें किसी तरह से उस बेसमेंट से उस किताब को निकालना पड़ेगा, वरना वो शैतानी ताकतें, वो आत्माएँ हमें भी जान से मार देंगी। अवैस उस बेसमेंट में जाने की तैयारी करता है। अवैस एक हाथ में चेनसो लेता है और अपने दूसरे हाथ में एक बंदूक लेता है और एक हीरो की तरह उस बेसमेंट में चला जाता है उस बुक को लाने के लिए। लेकिन तभी वो औरत की आत्मा, वो शैतानी ताकतें उस पर हमला कर देती हैं और ऐश वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब उस बेसमेंट का दरवाज़ा खुला हुआ था इसीलिए वो शैतानी ताकतें बाहर आ जाती हैं और एनी पर अटैक कर देती हैं। लेकिन तभी ऐश को होश आ जाता है। ऐश बेसमेंट से बाहर आता है और पूरी हिम्मत के साथ उन शैतानी ताकतों का सामना करता है। ऐश एक एक करके उन शैतानी ताकतों को मार देता है। अब ऐश एनी को बोलता है कि तुम उस किताब को पढ़ना स्टार्ट कर दो ताकि हम इन शैतानी आत्माओं से और इन शैतानी ताकतों से बच सकें। और अब जैसे ही एनी उस किताब के पन्नों को पढ़ना स्टार्ट करती है और वैसे ही वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खौफनाक चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं और वो सारी शैतानी ताकतें जाग जाती हैं और इस बार पेड़ भी जिंदा हो जाते हैं और पेड़ भी शैतानी ताकतों के काबू में आ जाते हैं। पेड़ अपनी जड़ों से उखड़कर चलने लगते हैं और उस कॉटेज की तरफ बढ़ने लगते हैं और ऐश को बुरी तरह से जकड़ लेते हैं और ऐश का कटा हुआ हाथ एनी पर अटैक कर देता है, उस पर हमला कर देता है। और कुछ देर के लिए उन दोनों को लगने लगता है कि उनमें से कोई भी नहीं बचेगा, वो शैतानी ताकतें उनको मार देंगी। लेकिन एनी हार नहीं मानती। एनी हिम्मत करती है और अपना पूरा दम लगाकर उस किताब का आखिरी पन्ना पढ़ती है। एनी के उस पन्ने को पढ़ने के बाद तुरंत वहाँ पर एक पोर्टल खुल जाता है, या यूँ कहें कि दूसरी दुनिया का दरवाज़ा खुल जाता है और उस पोर्टल में ऐश और ऐश की कार दोनों ही खींचे चले जाते हैं और ऐश एक दूसरी दुनिया में पहुँच जाता है। ये समय होता है 1300 AD, जब वो शैतानी किताब खो गई थी। जब ऐश को होश आता है वो देखता है कि उसको चारों तरफ से घेर लिया गया है। दरअसल सैनिकों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। सैनिक समझ रहे थे कि ऐश दुश्मन का आदमी है। अब वो सैनिक और वो सभी मिलकर ऐश को मारते, उससे पहले वहाँ पर एक खतरनाक ड्रैगन उड़ता हुआ उन सभी के पास आ रहा था। अब बाकी सब ये देखकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और भाग जाते हैं, लेकिन ऐश नहीं भागता। ऐश उठता है और उस ड्रैगन के सीधा सर में गोली मार देता है। अब ये देखकर बाकी सभी लोग चौंक जाते हैं। वो सब समझते हैं कि ऐश एक हीरो है, ऐश एक मसीहा है जो कि उन्हें शैतानों से बचाने के लिए इस दुनिया में आया है। और हम देखते हैं कि ऐश उस आदमी की तरह दिख रहा था जैसा हमने उस शैतानी किताब में स्केच बना हुआ देखा था। ऐश के एक हाथ में चेनसो थी और दूसरे हाथ में बंदूक। और इस सीन को दिखाते हुए ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको इस मूवी की स्टोरी कैसे लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और बहुत लोगों को इस मूवी के ग्राफिक्स बहुत ही ज़्यादा लो लगेंगे आज के समय के हिसाब से, क्योंकि ये एक क्लासिक मूवी है और उस समय VFX का ज़्यादा ग्रो नहीं हुआ था। लेकिन ये मूवी उस समय की सबसे ज़्यादा हॉरर मूवी में गिनी जाती थी और आज भी लोग इस मूवी को देखना उतना ही पसंद करते हैं जितना पहले के लोग किया करते थे। तो दोस्तों, मैं आपसे मिलूँगा किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।